जय हो श्री कृष्ण भगवान। दूसरे अध्याय का शेष भाग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। एषा ते अभिहिता सांख्यो बुद्धि योगे त्वं श्रृणु बुद्धिया युक्तो येया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर देगा। नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है अर्थात उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा विषादन जन्म मृत रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रे के है गुरु नंदन बहुशाखाश्च बुद्धियो अव्यव माइनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचारों वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों के को बुद्धियों में निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत बुद्धियां होती हैं। विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवी पश्चितः वेदवादृतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तयापहयत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में तन्मय हो रहे हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण यविष्या वेदां निस वैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यम सत्वस्थो निर योग क्षेम आत्मान। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतः करने वाला हो। या वानर्थ उद्यपाने सर्वतः संपूत संपलूतोदके
तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानीयतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु रघुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। योगस्थ है कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत भी योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद नंज बुद्धो शरणा मन बिच कृपणा फल हेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं और अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें और भगवान श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण।